ये भी संसार है। अच्छा तो हमारे यहाँ ऐसे योगेंद्र मुनेन्द्र है जो वायु भी ग्रहण नहीं करते थे, ऐसे सांस रोक करके बैठ जाते थे। अच्छा जी, लेकिन बैठते कहाँ थे? भूमि पर। ये भूमि, ये पृथ्वी, ये भी पंच महाभूत में से एक है। अच्छा तो हमारे यहाँ ऐसे योगेंद्र मुनेन्द्र हुए जो आकाश में बैठ जाते थे। अजी, आकाश भी पंच महाभूत में से एक है। और आकाश क्या? आपका ये जो शरीर है, ये शरीर भी पंच महाभूत का बना हुआ है। अब शरीर कोई कैसे छोड़ेगा? तो कितना भी कोई प्रयत्न कर ले, संसार को मिथ्या कैसे कहेगा? उसी शरीर में रहेगा तो मिथ्या कैसे हो गया संसार? और फिर ये सब चीजें तो बहुत आगे का विषय है। जब किसके पास बहुत तपोबल हो जाता है तब ये सब चीजें पॉसिबल होती है। लेकिन जो अध्यात्मवाद में प्रवेश कर रहा है उसके लिए क्या कानून है? गीता में कहा गया, नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्त मनस्नता न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुना युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। गीता के 6वें अध्याय का 16वां एवं 17वां श्लोक। यानी ये जो आप आजकल किताबों में पढ़ते हैं ना कि इस चीज में ये विटामिन है, इसमें बी, इसमें सी, इसमें ये खाने से ये होता है, इसमें आयरन मिलता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, वगैरह वगैरह, इसको पहले आचार्य जो थे ऐसे बताते थे कि इस चीज को इतनी मात्रा में खाना चाहिए, पेट इतना खाली रखना चाहिए, शरीर की शुद्धि के लिए ऐसा करो, मन की शुद्धि के लिए ऐसा करो। और जो उस समय गुरु आदेश देता था उस समय शिष्य करता था। और आज क्या हाल है? आजकल आपको सब अवेलेबल है। ये जरूरी नहीं है कि आप अधिकारी हैं कि नहीं, आप सब कुछ जान सकते हैं। किताब खरीद लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी किसी काम का नहीं है, किताबें पढ़ी रह जाती है। क्या करना है? हम तो अपने मन के मालिक हैं। हमको तो जैसा मन होगा वैसा खाएंगे, जैसा करना होगा वैसा करेंगे। तो इसलिए शरीर को भी रखना होगा ठीक ठीक, तन बिनु भजन वेद नहीं भरना। अगर आपके शरीर में दर्द हो रहा है, कहीं पैर में दर्द हो रहा है, तो आप ऐसे कीर्तन करने के लिए नहीं बैठ सकते, सत्संग में नहीं बैठ सकते। शरीर का भी ध्यान रखना पड़ता है। कोई हम विदेह जनक तो हो नहीं गए हैं, कोई परमहंस तो हो नहीं गए हैं कि हमको शरीर का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कहीं कोई काट रहा हो, कहीं कोई कुछ कर रहा हो। इतनी हमारी उधर आसक्ति नहीं हुई है, इसलिए शरीर को भी रखना होगा ठीक ठीक। तो आध्यात्मवाद को भौतिकवाद का अपमान करना गलत, और उसी प्रकार से भौतिकवाद को भी आध्यात्मवाद का अपमान करना गलत। देखिए, अगर कोई व्यक्ति हो, उसके पास बड़ी संपत्ति हो, सब कुछ अवेलेबल है, अरे यहां तक कि पूरे संसार का भाई एक अकेला राजा हो, लेकिन फिर भी कौन सा कमाल हो गया? उतनी छोटी सी जगह में सोएगा, जितनी उसकी हाइट है उतनी जगह तो घेरेगा कि पूरे संसार में फैल जाएगा। कितना भी बड़ा घर हो, घर में रहने के लिए उतनी जगह चाहिए। कितना भी खाना हो, खाएगा लिमिटेड, पेट भर जाएगा उसका। तो क्या फायदा सब कुछ इकट्ठा करके? सब कुछ इकट्ठा कर लिया, फिर उसके बाद शराब के नशे में है और खुद ही को गोली मार ली, क्या फायदा हुआ इतनी संपत्ति का? कोई फायदा नहीं हुआ, सब यही छूट गया। तो क्या फायदा, चाहे सब कुछ हो चाहे कुछ ना हो? देखिए, यूं समझिए, जैसे एक बार एक व्यक्ति ने ऐसी बात कही थी, साइंटिस्ट लोग ये जो तमाम डिस्कवरी करते हैं, इन्होंने ये वेपन बना दिया, किसी ने एटम बॉम्ब बना दिया, किसी ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिया, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो भगवान ने हमको ये तमाम आविष्कार करने की, खोज करने की जो शक्ति दी है, तो उसके लिए मैं भगवान से ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि वो हमको उसका सदुपयोग करने की बुद्धि भी दे। क्यों? क्योंकि हम केवल ये बोल सकते हैं कि हाँ ऐसा मत करो, कोई गलत काम मत करो, कोई झूठ मत बोलो, कोई चोरी मत करो, किसी को मारो मत। अजी, ये सब कौन सी ऐसी बात है जो हम नहीं जानते? हमको पता है, क्योंकि कोई हमसे झूठ बोलता है हमको बुरा लगता है। अरे कोई लाख झूठ बोलने वाला हो, लेकिन अगर उससे भी कोई झूठ बोलेगा तो उसको तकलीफ होगी। अजी, हमसे झूठ बोला क्यों जी? तुम तो दिन में 10 झूठ बोलते हो, तुमसे किसी ने एक बोल दिया तुमको बड़ा लग रहा है? अजी नहीं, हमको लग रहा है। क्यों? क्योंकि आनंदम ब्रह्म का अंश है, तो कहीं ना कहीं आनंद से प्यार करता है, सत्य से प्यार करता है। इसलिए जब उसके साथ कोई झूठा व्यवहार करता है, झूठ
बोलता है, असत्य बोलता है तो उसको पीड़ा होती है, कष्ट होता है। तो आध्यात्मवाद के पास उपाय है हमें सही करने का, भौतिकवाद के पास कोई उपाय नहीं है। वो बस बोलेंगे कि सही बर्ताव करो, किसी के साथ कुछ गलत मत करो, लेकिन कैसे करो उसके लिए संस्कार देने पड़ते।